हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 IT 402, जो हमारा सिलेबस है CBSE का। उसके सेकंड पार्ट, सेकंड चैप्टर में जो सेल्फ मैनेजमेंट का टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें दूसरा चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा चैप्टर ICT और चौथा चैप्टर जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। That's why मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट। यह क्विक रिवीजन होगा, मैं बता दूं आपको, यह क्विक रिवीजन होगा जिसमें हम कम समय में सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर को कवर करें। ओके, तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक। ओके, पहले पॉइंट्स आपको समझना है जिसका नाम क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट। देखिए, सिंपल सी बात है, किसको मैनेज करना है, अपने आप को मैनेज। इसमें जो सिंपल टर्म से वो क्या है, सेल्फ कंट्रोल्स, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करिए। किसको कंट्रोल करिए, अपने एबिलिटीज को कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए, देन अपने बिहेवियर को कंट्रोल करिए। किस सिचुएशन में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, अगर इतना आप कर लेते तो क्या कहलाता है, सेल्फ मैनेजमेंट। उसके बाद ये टॉपिक्स है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सेस इन लाइफ, यानी कि अपने लाइफ में अगर सफल होना है तो कुछ चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइम मैनेजमेंट और लास्ट वन एडाप्टेबिलिटी। ओके, जैसे सेल्फ अवेयरनेस में अपने बारे में नॉलेज क्यों कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्लियर, और कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, क्लियर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, किसी टास्क को अगर आपको दिया जा रहा है किसी टास्क को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, क्लियर है। उसके पास से हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है जिसका नाम क्या है, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट में सिंपल समझना है, प्रायोरिटीज, जैसे किसी काम को करना है तो उस काम की के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टास्क होते हैं, कौन से टास्क फर्स्ट प्रायोरिटी पे है उसको पहले। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिमूव वेस्ट एंड रिजोडेंसी फ्रॉम द वर्क, यानी कि कोई भी टास्क है जो बार बार रिपीट हो रहा है कि किसी एक काम में, उसको क्या करिए, एक बार ही करिए, बार बार न करिए, जिससे टाइम आपका वेस्ट ना हो, क्लियर है। एडाप्टेबिलिटी बहुत सिंपल है, एडाप्टेबिलिटी में यह ध्यान रखना है कि आप करेंट सिचुएशन में आप अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से जजमेंट करें, बट हमेशा याद रखिए कि न्यू जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं आपके साथ, नए नए जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको क्या करिए, आप एडाप्ट करिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए और चेंज करके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नई चीजों को एडाप्ट करिए, क्लियर है। तो ये हमारा क्या, एडाप्टेबिलिटी। ये चार पॉइंट्स याद रखिएगा, सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट और एडाप्टेबिलिटी। ओके, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है स्ट्रेस, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस देखिए बहुत सिंपल है, स्ट्रेस जो कॉजल एजेंट्स होते हैं, कॉजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है। इसमें कह रहा है, स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और फील्स, यानी कोई मेरे से डिमांड करता है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने एग्जाम में, आपको अच्छा डांस परफॉर्म करना, क्या है स्ट्रेस, ये क्या है स्ट्रेस। और जो हमसे डिमांड किया जाता है मेरे को यह करना है, वह कहलाते हैं क्या, स्ट्रेस, क्या कहलाते हैं, स्ट्रेसेस। और यही स्ट्रेसेस बाद में चल करके क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, स्ट्रेस। यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, क्लियर है, यहाँ पर जाएगा स्ट्रेस, यानी कि आपसे जो डिमांड किया जाता है वो एक्चुअली में स्ट्रेसेस कहलाते हैं, और वही स्ट्रेसेस बाद में क्या बन जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स आप स्ट्रेस का दे सकते हैं, You are too close to the exam, but feel unprepared. यानी कि आप एग्जाम को बहुत क्लोज है, बट अपने आप को फील कर रहे हैं, यार मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं हूँ। आप कम सोते हैं तभी भी आपको स्ट्रेस रहेगा, तो ये बेसिक पॉइंट से स्ट्रेस। उसके पास स्ट्रेस जनरेट करने के कुछ कॉजेज हैं, जैसे मेंटल है, फिजिकल है, उसके बाद फाइनेंशियल है, और एक और टर्म है सोशल, ठीक है ना। तो यहाँ समझ सकते हैं मेंटल, मेंटल मतलब क्या, कि कोई ज्यादा आपको बर्डन दिया गया, उसमें आप डेडलाइन पर अपना काम नहीं कंप्लीट कर पाए, ठीक है ना।
तो वो आपको क्या कर सकता है, मेंटली हरासमेंट कर सकता है, एंजाइटी हो सकती है ना। तो ये किस टाइप का है, मेंटल है। फिजिकल, आपको पता है कि डे बाय डे हमारे बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो जिसका उनका हार्मोनल चेंजेस भी होता है, ठीक है ना, तो इससे उनका फिजिकल चेंजेस की वजह से कुछ हमारा क्या बोलते हैं, स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, ठीक है ना, तो वो अभी हमारे कॉजेज हैं स्ट्रेस जनरेट। सोशल जानते ही सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है, फैमिली मेंबर्स या सोशल में कि कोई कुछ कह देता है, ठीक है ना, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, उसकी बात लग जाती है आपको, है ना, तो हमारा क्या होता है, सोशल स्ट्रेस हो गया। देन आपका फाइनेंशियल, सब कोई जान चाहता है कि हम फाइनेंशियल बहुत अच्छे से अपना सेटअप बना रहे हैं ना, ठीक है ना, तो वह भी हमारा क्या स्ट्रेस है। तो मुख्यतः चार कारण है, मेंटल, फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल। जब हमारे पास स्ट्रेस भी पता चल गया स्ट्रेस क्या है, दूसरा हमको यह पता चल गया इसके कॉजेज क्या क्या है, कॉजेज में हमने यह भी डिस्कस किया फिजिकल है, सोशल है, मेंटल है और देन आफ्टर फाइनेंशियल है। अब हम इसको मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, मैनेज। आपको पता है कि जीवन को सफल करना है तो आप पर डे काम करेंगे, पर डे काम करेंगे तो आपके पास स्ट्रेस आएगा, 100% स्ट्रेस आएगा, बट वह स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो स्ट्रेस आपके लिए हेल्पफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रेस क्या होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। यहाँ पर देखिए लिखा है स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ, यानी कि वो हमारे जीवन का एक पार्ट है ना। बट आगे कह रहा है देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन स्ट्रेस कैन हेल्पफुल, यानी बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पे स्ट्रेस कैन हेल्पफुल है, जैसे अ फायर अलार्म इंटेंडेड टू कॉज अ स्ट्रेस दैट अलर्ट यू टू अवॉइड अ डेंजर, यानी कि फायर अलार्म जब बजा तो हमको स्ट्रेस जनरेट किया है ना, बट ये तो बात बता दिया कि कुछ डेंजर सिचुएशन होने वाला, उससे आप बच जाएंगे, है ना। उसके पास एक और है बात, स्ट्रेस क्रिएटेड बाय योर डेडलाइन टू फिनिश अ पेपर कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम, यानी एक डेडलाइन डिसाइड हो गया जिस पे आपको काम करना था, ठीक है ना, तो आपको मोटिवेट किया कि ऑन टाइम हम आपका कर सकते, स्ट्रेस हमारे लिए हेल्पफुल भी है। बट ये स्ट्रेस डेली बेसिस पे बहुत लॉन्ग टर्म में हो जाता है तो हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपके माइंड में हमेशा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ABC आपको पता होना चाहिए। ए मतलब एडवर्सिटी, बी मींस फीलिंग और सी स्टेट फॉर सिचुएशन, क्लियर है। ए एडवर्सिटी का मतलब क्या है, वह स्ट्रेसफुल इवेंट्स को आप फाइंड आउट करें जिससे स्ट्रेस क्या होता है, जनरेट होता है। बी बिलीफ्स मतलब क्या कि वह रास्ता, वह पाथ आप डिसाइड करें जिससे हम स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। उसके बाद एक्शन जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्ट्रेस से बाहर आएंगे, यानी थ्री पॉइंट्स याद रखिए। बोर्ड एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है कि ABC का फुल फॉर्म बताइए, दिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ए स्टेट फॉर एडवर्सिटी, बी स्टेट फॉर बिलीफ, सी स्टेट फॉर कॉन्सिक्वेंस। कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, एंजॉयिंग गोइंग वोकेशंस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज भी क्या होता है कि कभी भी हमारा जैसे वॉकिंग हो गया, एनी स्पोर्ट्स हो गया, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। योगा, योगा में ध्यान रखेंगे, योगा इज इंक्लूड अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस टू अचीव अ कंट्रोल ऑफ द बॉडी एंड माइंड, यानी कि जो भी हमारा एक सीरीज होगा जिसमें पोस्चर्स हो सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकते हैं, जो हमारे माइंड को और बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मेडिटेशन, देखिए योगा और मेडिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेडिटेशन हम क्या करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अपने माइंड को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जैसे हम लिखा है फोकस हिज हर माइंड ऑन अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट थॉट्स और एक्टिविटी टू अचीव और काल मेंटल स्टेट इंक्लूड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। इसमें ध्यान रखना है कि किसी एक सर्टेन ऑब्जेक्ट थॉट्स पे एक्टिविटी पे अगर हम अपने माइंड को फोकस करते हैं तो हमारा मेंटल स्टेट क्या होता है, काल्म हो जाता है और स्ट्रेस क्या होता है, रिड्यूस होता है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, मेडिटेशन है। उसके पास एंजॉयिंग है, एंजॉयिंग में रिक्रिएशन वर्क जैसे वाचिंग मूवीज है, कोई स्पीच है, प्लेइंग गेम्स है, डांसिंग है, ये सब पार्ट्स आ जाएंगे। गोइंग ऑन वेकेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, किसी को घूमने जाना है, स्ट्रेस हो गया तो कभी लोग घूम के आओ दो दिन, है ना। तो ये भी हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल्स है इसको रिमूव करने का, स्ट्रेस रिमूव करने का। टेकिंग नेचुरल वॉक, नेचुरल वॉक मतलब मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक में हमको क्या करता है, BP को भी कंट्रोल करता है, क्लियर है। तो मॉर्निंग वॉक से भी हमारा स्ट्रेस लेवल क्या होता है, कमजोर होता है, कम होता है। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काम करने के फायदे क्या है या एबिलिटी क्या है, आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए जो आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इसके पहले
समझ लेते इसका बेनिफिट्स क्या है। यू कैन बिकम अ काल्म एंड रिलैक्स पर्सन, यानी कि अगर आपको रिलैक्स रहना है तो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, यानी कि अपने आप पे ही आपको डिपेंड करना है, यानी कि इंडिपेंडेंट रहना है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे बिकमिंग सेल्फ अवेयर, यानी कि अपने आप को पहचानिए, दूसरा सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने आप को मॉनिटर करिए, और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसको क्या करिए, करेक्ट करिए। नोइंग व्हाट नीड टू डू, यानी कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, यानी कि यह आपके किसी भी काम का इनिशिएटिव लीजिए, यह कहने के बजाय आप करिए, आपको खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट चलना पड़ेगा। क्लियर है। रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स, अपने मिस्टेक्स को पहचानिए और अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करिए, दूसरे को ब्लेम मत करिए। ये हमारा क्या है, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली में कुछ मेन पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस में स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है, देखिए स्ट्रेंथ को पहचानने का तरीका क्या है और वीकनेस पहचानने का तरीका है, यानी सेल्फ अवेयरनेस में क्या ध्यान रखना है, आपको केवल एक चीज की पहचान करना है कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। ठीक है ना, तो यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ कैसे पहचानेंगे, आपको पता है, क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। ठीक है ना, आप क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, आपका ओपिनियंस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है ना, आप क्या बिलीव करते हैं, ये आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। ठीक है ना, वीकनेस देखिए कुछ टेक्निक्स यहाँ पर दिया गया है जिसका यूज करके हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहला जो दिया हुआ, आप सोचिए, थोड़ा थिंकिंग करिए कि आप किस काम को करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाती है, वो काम करने से वो आपका क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, ये भी आपसे अपने आप से पूछिए, क्वेश्चन करिए कि दूसरा कोई पर्सन आपके अंदर क्या लाइक करता है। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू, आपके अंदर दूसरा पर्सन क्या लाइक करता है, फीडबैक लीजिए कि मेरे अंदर आप कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है, या जो क्वालिटी अच्छी लगती है दूसरे पर्सन को, वही आपका क्या स्ट्रेंथ है, एबिलिटीज। वीकनेस बहुत सिंपल है, वीकनेस पहचानना, जब कोई काम आप करते हैं उस काम में आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, तो आपको समझ जाना है कि हमारे क्या है, वीकनेस है। आप फीडबैक पूछिए कि दूसरे से पूछिए कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी चाहिए जो हमको इम्प्रूव करनी चाहिए, तो आपका क्या है, वीकनेस है। उसके पास एक टर्म है जिसका नाम है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन देखिए स्पेशली क्या करता है, एक फोर्स जनरेट करता है आपके अंदर से कि इस काम को करना ही करना है, वो आपका क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। और बेसिकली टू टाइप्स का मोटिवेशन होता है, एक होता है इंटरनल और एक क्या होता है, एक्सटर्नल। तो हम इंटरनल मोटिवेशन की बात करते हैं, इंटरनल मोटिवेशन को बोलते हैं लव। क्या बोलते हैं, लव। इसका मतलब क्या होता है, वो सिंपल है कि अगर हम किसी काम को करते हैं और जिससे हैप्पीनेस फील होता है, ठीक है, तो हमारा क्या है, इंटरनल मोटिवेशन। जैसे एक एग्जांपल दिया, व्हेन यू परफॉर्म ऑन, यहाँ पर देखिए, व्हेन यू परफॉर्म ऑन योर एनुअल डे फंक्शन एंड यू लर्न समथिंग न्यू सच एज डांसिंग, सिंगिंग, इट इज यू फील गुड। यानी किसी काम को करने से हमको अच्छा फील होता है, हैप्पीनेस फील होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मोटिवेशन। जब हम कोई काम करते हैं, कोई टास्क करते हैं और उसके लिए क्या होता है, रिवार्ड। किसकी बात करता है वो, रिवार्ड। जैसे मान लीजिए कि हमको फर्स्ट प्राइज लेना है, ठीक है, तो उसके लिए रेगुलर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो फर्स्ट प्राइज के लिए हम रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, वो फर्स्ट प्राइज का रिवार्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन मीन्स हैप्पीनेस के लिए, लव के लिए, है ना, अपनी खुशी के लिए, ठीक है ना, और एक्सटर्नल मोटिवेशन मीन्स रिवार्ड के लिए। क्लियर है। तो ये हमारा क्या होगा, मोटिवेशन टू टाइप्स का होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद से आते हैं क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं उनके पास कुछ क्वालिटी होता है, जैसे पहला क्वालिटी का, नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, वो अपने जीवन से क्या चाहते हैं उनको अच्छे से पता होना चाहिए। आर फोकस्ड, वो फोकस होता है अपने पॉइंट्स पे, ठीक है ना। नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सेल्फ मोटिवेटेड पीपल का यह सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है। व्हाट, सॉरी, आर डिसाइडेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, वो डिसाइडेड कर लेते हैं कि हमारा ड्रीम क्या है, उसको कैसे फुलफिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ, सॉरी, गोल सेटिंग में याद रखिए स्मार्ट, यानी कि गोल सेटिंग हम किस मेथड के थ्रू करते हैं, स्मार्ट। और याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंडेड। ओके, तो इसका यूज करके हम गोल को सेट कर सकते हैं। वन बाय वन डिस्कशन करें, स्पेसिफिक मतलब जो आपका इंफॉर्मेशन है, गोल है, वो क्या होना है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिससे आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना गोल क्लियर कर सकते हैं। मेजरेबल, कोई भी टास्क मेजरेबल होना चाहिए आपका,
आप अपने आपसे क्वेश्चन पूछिए कि कितना समय लगा, हाउ मच, हाउ मेनी, कितने वर्ष हुए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मेजरेबल होगा। अचीवेबल, अचीवेबल का मतलब क्या है कि जो भी बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, एंड देन वन बाय वन एक एक पार्ट को क्लियर करते जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फाइनली आप जो मेन गोल है आप उसको अचीव कर पाएंगे। यहाँ लिखा है ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर गोल, यानी कि बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करिए, देन वन बाय वन एक एक गोल को सॉल्व करिए या अचीव करिए, देन ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जो गोल है वो आप एक्सेस कर लेंगे या अचीव कर लेंगे। रियलिस्टिक, कोई भी काम आपका रियल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना है, टू आर द गोल्स, आपका फेक नहीं होना चाहिए, क्लियर है। टाइम बाउंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंडेड का मतलब होता है एक टाइम फ्रेम में अपना गोल सेट करिए और उसको अचीव करिए, यानी कि आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना है। ये स्मार्ट का फुल फॉर्म हो गया, यस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक और टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंडेड। इस सेल्फ रेगुलेशन में सेट गोल्स के अंदर स्मार्ट मेथड का यूज करके आप गोल को सेट कर सकते हैं, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडी विदाउट अदर्स चीयरिंग यू, यानी कि जब बिना किसी हेल्प की बात करें तो हमको हमेशा ध्यान रखना होगा किसकी बात करता है, सेल्फ मोटिवेशन। इसमें कौन सा आंसर सही है, सेल्फ मोटिवेशन। उसके बाद कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, आपको अभी बताया गया था ऊपर टॉप पे कि टू टाइप्स की मोटिवेशन होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ए और सी बोथ आंसर क्या है यहाँ के करेक्ट है। उसके बाद क्या है, रवि वर्क हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ इयर्स, व्हाट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन इज दिस, आपको बताएगा किसी रिवार्ड के लिए अगर हम जाते हैं तो किस टाइप का मोटिवेशन होता है, आपका एक्सटर्नल, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स का, जितना से जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपके फ्रेंड्स को हेल्प हो पाएगा, तो शेयर करिए और अगेन एंड अगेन इसको वॉच करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।